Dear students, welcome to class second. Good morning, kids. As we have learned yesterday about extra internal body parts like brain, heart, lungs, stomach, etc. Now, we will move ahead. Here is all the external and internal parts of our body works together to keep us alive and healthy. आपको पता है कि हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मिलके ही हमें हेल्दी रखते हैं और हमें अलाइव एंड जिंदा रखते हैं. अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो हम एफिशिएंट नहीं रहते हैं और हमारा बॉडी मतलब प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है. राइट नाउ बोन्स जॉइंट्स एंड मसल्स feel the different parts of our body with your finger as shown in the pictures below. You will find that some parts are soft and some are hard. If you touch your body, देखो kids, अगर आप अपनी body को touch करते हो तो कहीं पर आपको कुछ soft सा कुछ touch feel होगा, कहीं पर आपको बहुत hard feel होगा. तो जो soft सी चीज़ आपको feel होती है That is your muscles. वो आपकी बॉडी में अंदर मसल्स होती है जो आपकी स्किन के जस्ट नीचे होती है. ओके और जो हार्ड पार्ट जो आप टच करते हैं जो आपको फील होता है वो आपकी क्या होती है मसल्स होती है जो आपकी मसल्स के सॉरी वो आपकी बोन्स होती है जो आपकी मसल्स के जस्ट नीचे होती है. ओके तो सॉफ्ट पार्ट क्या हो गया आपका बॉडी के अंदर मसल्स और जो हार्ड पार्ट है वो क्या होती है आपकी बोन्स होती है. क्या होती है बोन्स. नाउ बोन्स The bones support our body. They are hard. They are of different shapes and sizes. There are 206 bones in our body. आपको पता है कि bones क्या होती है हमारी body को support करती है हमारी body को structure देती है. ठीक है वो कैसी होती है हार्ड होती है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और शेप्स होती है. जैसे हमारे हैंड्स में अलग बोन्स होती है हमारे लेग्स में अलग बोन्स होती है हमारे बैक पे अलग बोन्स होती है नीज़ में अलग बोन्स होती है. तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप्स की बोन्स होती है. ऑल राइट हियर इज़ सम पिक्चर्स ऑफ बोन्स लाइक रिब केजेस हैंड बोन्स थाई बोन्स. तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की बोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है. All the bones of our body form a frame called the skeleton. ये और ये सब bones मिलके हमारी body में frame बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं skeleton. क्या बोलते हैं skeleton. आपने देखा है movies में जिसको देखकर आप सब लोग डर जाते हैं right? तो ये skeleton होता है जो हमारी जो bones से बना होता है. The skeleton gives shape to our body. It also supports and protects the soft inner part of our body. स्केलेटन क्या करता है हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और ये जो हमारी बॉडी में इनर पार्ट है मीन सॉफ्ट जो मसल्स है उसको भी वो सपोर्ट करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है तो ये हमारी हो गई बोन्स एंड मसल्स. ओके किड्स तो जो हमारा हार्ड पार्ट होता है जिसको हम टच करते हैं वो हमारी बोन्स होती है एंड द सॉफ्ट पार्ट दैट वी फील दैट दोज आर मसल्स जो हमारी स्किन के जस्ट अंदर होती है और जो मसल्स के जस्ट नीचे वो हमारी बोन्स होती है जो कि बहुत हार्ड होती है.